और आज का जो टॉपिक है वो है डिस्क्राइब वन ऑफ द चाइल्डहुड टॉयज दैट वर स्पेशल टू यू। चाइल्डहुड मेमोरीज में से आपने जो है आपने किसी टॉय या किसी भी बिलोंगिंग किसी भी चीज का जो है आपने जिक्र करना है दैट वाज यू कैन से वेरी क्लोज और वेरी डियर टू यू। और हमारे पास पॉइंट है व्हाट इट वाज हु गेव इट टू यू एंड हाउ यू प्लेड विद इट एंड व्हाई इट वाज स्पेशल फॉर यू। ऐसी किसी चीज का जिक्र करते हुए हमने कौन सी फ्रेजेस यूज करनी है और वोकैबुलरी वो हम देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, आई हैव मेनी टॉयज इन माई चाइल्डहुड। मेरे पास इन चाइल्डहुड में बहुत से टॉयज थे, आई हैड हम यूज करेंगे। एंड एट डिफरेंट स्टेजेस और यानी डिफरेंट लेवल्स पर मुख्तलिफ मौके पर आई प्रेफर डिफरेंट टॉयज, यानी मेरी तरजीह जो है वो डिफरेंट टॉयज रही हैं, किसी एक के साथ जो है मैंने प्रेफरेंस अटैच नहीं की। हाउएवर अमंग देम, लेकिन उनमें से उन सब में से अ टेडी बियर इज द मोस्ट स्पेशल वन टू मी। एक टेडी बियर जो है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था एंड आई स्टिल कीप इट एट माय क्लोजेट। और उसको भी मैं अपने क्लोजेट मींस यू कैन से वार्डरोब और एनी कैबिनेट, आई स्टिल कीप इट एट देयर। ओके, यहाँ देखिएगा हाउएवर अमंग देम, अमंग मींस यानी इसको हम उर्दू में कह सकते हैं हमराह, ठीक है। विद और अमंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ स्टूडेंट इसको जो है वो सेम लेते हैं। अमंग देम यानी अमंग का मतलब होता है किसी एक चीज को किसी दूसरे कलेक्शन के साथ अटैच करना, यानी उनमें से किसी एक को चूज करना। अटैचमेंट उसके साथ है उस कलेक्शन के साथ, लेकिन किसी एक की इंडिविजुअलिटी बयान करना या उसकी क्वालिटीज बयान करना, सो हम सिर्फ उसको जिक्र करेंगे तो हम कहेंगे अमंग देम यानी उनमें से उन सब में से। बिटवीन देम नो, हम बिटवीन यूज नहीं करेंगे, हम अमंग देम यूज करेंगे, ठीक है। यानी अमंग देम यानी उनमें से हमने किसी एक को चूज करना है ना। बिटवीन का मतलब यानी उसको हम कहते हैं यानी किसी एक आइटम का, यानी दो या तीन हो सकती हैं, लेकिन अमंग जो है ना इसको यूज किया जाता है जब कोई एक चीज जो है या एक पर्सन जो है इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप, ठीक है, राइट सही। बिटवीन का उर्दू में मतलब होगा यानी उनके दरमियान, अमंग का मतलब होगा उन सब में से। ओके, इज द मोस्ट स्पेशल टू मी। अब यहाँ पे भी हमने ये रूल पहले भी देखा था, मोस्ट को कभी भी अकेला यूज नहीं करना, और ये मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, यानी वो लिख देंगे माई मोस्ट स्पेशल या मोस्ट स्पेशल फॉर मी, लेकिन मोस्ट को अकेला नहीं लिखना, ये हमेशा लिखा जाएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द मोस्ट स्पेशल। ओके, और जिस चीज को आपने अपने साथ अटैच करना है, जो चीज आपके लिए बहुत स्पेशल है, उसको आप किस प्रपोजिशन के साथ जो है वो रिलेट करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, स्पेशल टू मी, यानी जिसका आपके साथ कोई स्पेशल रिलेशन है, वो आपकी पोजेशन में है, सो आप कहेंगे इट्स वेरी स्पेशल टू मी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट स्पेशल वन, यानी उनमें से जो बहुत स्पेशल खास वाला था टू मी, मेरे लिए चॉइस में से, and I still keep it, जिसको भी मैंने रखा हुआ है at my closet, अपने cabinet में। Okay, जी next paragraph पे चलते हैं। हीरा यहाँ से reading करें। जी मैम, ये है I guess that all kids love a furry friend and so did। मेरा ख्याल है कि तमाम kids जो हैं वो ये furry फूला हुआ सा फ्रेंड जो है वो पसंद करते हैं, एंड सो डिड आई, और मैंने भी ऐसा ही किया। हाउएवर ताहम व्हाट मेड द बेयर रियली स्पेशल टू मी, किस चीज ने बेयर को मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल कर दिया, वाज दैट ये था, दिस वाज अ गिफ्ट, ये वो गिफ्ट था फ्रॉम माय फादर, मेरे वालिद की तरफ से, ऑन द ओकेजन ऑफ माय फिफ्थ बर्थडे, मैं जब 5 साल का था उस मौके पर मुझे दिया गया था। एवरीथिंग, हर चीज अबाउट इट, इसके बारे में वॉज सो डिफरेंट, मुख्तलिफ थी फ्रॉम अदर स्टफ बियर्स, दूसरे स्टफ बियर के मुकाबले में। ओके, अच्छा जी, आई गेस जब हमने अपनी बात शुरू
हम करते हैं, हमने ये कहना हो कि मेरे ख्याल में, मुझे लगता है, इसके लिए हमने डिफरेंट फ्रेजेस भी सीखी हुई हैं. सो उनमें से एक नई है आई गेस. सो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी फ्रेज से, मसलन किसी के माइंड में हो तो शेयर करें. मुझे I लगता है, कर सकते हैं आई सपोज. आई सपोज राइट. सपोज यू आर रीजन थोड़ा सा लेस लाइक आई थिंक वी. बिल्कुल सही. I suppose, I guess that all kids love a furry friend. Yahan pe friend means toys. Furry means, yes, you can say having fur on it. And so did I. Aur isi tarah mujhe bhi yani pasand tha. Ab is phrase ko dekhiyega. So did I. For example, aapke samne koi kisi action ka zikr karta hai ya batata hai ki mujhe ye cheez pasand hai. For example, main aapse kehti hu I like apples. To aap keh sakte hain so do I. यानी मैं भी पसंद करता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है. अब आपने यहाँ पे डू बोला क्योंकि मैंने प्रेजेंट सिंपल में बात की, आई लाइक एप्पल. ये प्रेजेंट सिंपल है. सो आप प्रेजेंट सिंपल का ही जो हेल्पिंग वर्ब है वो सो के साथ यूज करेंगे और अपना नाम देंगे, सो डू आई. फॉर एग्जाम्पल इसी तरह मैं कह सकती हूँ टर्किश इज हॉस्पिटेबल यू कैन से नेशन. ठीक है, यानी तुर्की जो है वो बहुत मेजबान कौम है. सो आप कह सकते हैं कि सो आर पाकिस्तानी. यानी पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं, पाकिस्तानी भी यूं ही करते हैं. सो क्योंकि मैंने वहां पे जो टेंस यूज किया वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस. सो आप भी सो के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करेंगी और आगे जिसका नाम जो नाउन आपने यूज करना है, सो आर पाकिस्तानी. और यहाँ पे देखें यानी जिक्र किया गया कि ऑल किड्स लव अ फरी फ्रेंड, यानी सब बच्चों को ऐसे टॉयज पसंद होते हैं. सो डिड आई, क्योंकि आपने पास्ट का जिक्र करना है इसलिए पास्ट की बात जारी है, पास्ट की एक स्टोरी रिलेट की जा रही है. आप डिड यूज कर रही हैं सो के साथ, सो डिड आई, यानी मैं भी ऐसा ही था, मैंने भी ऐसा ही किया. हाउएवर व्हाट मेड द बियर really special to me, फिर से वही यानी फ्रेज आ रही है really special to me, यानी उसने जो मेरे लिए उसको खास बना दिया वो ये था कि on an occasion of my fifth birthday. Occasion का synonym बताए कोई? Event. बिल्कुल सही, इसको event बोलते हैं. ठीक है, event नहीं बोलेंगे, event. एक और बताए कोई? Occasion, event. Yes, in the sport of man. Sorry? Spot of memory. Spot. S-P-O-T. Right? Yes. Spot. मौके पर ही. No, ये इसका synonym नहीं होगा, इसको थोड़ा सा और मीनिंग में लिया जाता है. ठीक है, यहाँ पे हम किसी त्योहार की यस मोमेंट कह सकते हैं, हम स्पॉट नहीं कहेंगे. एट द स्पॉट आई कॉल हिम एट द स्पॉट, मैंने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. ठीक है, वो थोड़ा उस मीनिंग में. Everything about it was so different from other stuffed beers. Stuffed किस चीज को कहते हैं जो किसी चीज से when it is filled with something, किसी चीज से भरी हुई हो. You can say stuffed pillow. एक ऐसा pillow, एक ऐसा तकिया जो किसी चीज से भरा हुआ हो, light weight हो, तो you can say stuffed pillow. इस तरह कुछ foods भी होती हैं, you can say उनको हम जो है ये stuffed का word use करते हैं. Stuffed sandwiches. Okay. Stuffed beers. यानी जो टॉयस बियर्स होते हैं जिनके अंदर फिलिंग की गई होती है. जी नेक्स्ट पैराग्राफ है, फरजाना यहाँ से आप रीडिंग करेंगी. At that time, my father was working far away and I missed him so much. उस टाइम पे मेरे जो फादर थे बाहर काम करते थे और मैं उनको बहुत मिस याद करती थी या करता था. I thought that he could not come back to celebrate my birthday party. मैं सोचती थी कि वो वापस नहीं आ सकेंगे मेरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए. एज ही हैड डन बिफोर, जैसे उन्होंने पहले की थी. टू माय सरप्राइज ऑन माय बर्थडे ही सडनली केम होम एंड ब्रॉट विद हिम अ लवली टेडी बियर. टू माय सरप्राइज, मेरी हैरानगी कि मेरी बर्थडे पे वो अचानक आए और मेरे लिए एक टेडी बियर लेकर आए, प्यारा सा. ओके, जी देखिएगा, एट दैट टाइम
जब हम किसी मखसूस वक्त की बात करते हैं तो हम दैट यूज करते हैं टाइम के साथ, यानी वो टाइम जो गुजर चुका है, एट दैट टाइम, चाहे वो सुबह का वक्त है लेकिन इस वक्त गुजर चुका है, एक घंटा पहले की बात है, दो घंटे, या एक साल पहले की, पांच साल पहले की, एट दैट टाइम, उस वक्त. लेकिन जब हमने कहना हो कि इस वक्त, राइट नाउ, तो हम कहेंगे एट दिस टाइम, एट दिस टाइम. और अगर दैट और दिस दोनों ना लगाएं, समटाइम्स आपको ये भी पढ़ने को देखने को मिलेगा एट टाइम्स, ये भी सम फ्रेज लिखी होती है. तो इसका मतलब होता है बाज औकात, समटाइम्स का सिनोनिम है ये एट टाइम्स, यानी मखसूस औकात पर, बाज औकात पर, सम सिचुएशंस में ऐसा हो जाता है. सो माई फादर वॉज वर्किंग फार अवे, इस फ्रेज टाइम का क्या बताया आपने, दैट टाइम जब कोई, दैट टाइम जब कोई मखसूस वक्त होता है, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम का मतलब होगा उस वक्त, गुजरा हुआ कोई आप स्टोरी बता रहे हैं कि तब ऐसे हुआ था, तब ऐसा हुआ, उस वक्त मैंने ये किया, ठीक है, एट दैट टाइम. जैसे यहाँ पे स्टोरी बताई जा रही है ना फिफ्थ बर्थडे की, यानी जब मैं पांच साल का था, तो एट दैट टाइम, उस वक्त ये हुआ. लेकिन अगर आप अभी की बात बता रही हैं कि इस वक्त मैं ये कर रही हूँ, इस वक्त ये हो रहा है, उस वक्त और इस वक्त, एट दिस टाइम, समझ आ रही है ना, दैट टाइम और दिस टाइम की कंफ्यूजन थी. लेकिन खाली अगर आ जाए एट टाइम्स, एट टाइम्स, तो इसका मतलब होगा समटाइम्स, बाज़ औकात, ठीक है, एट टाइम्स इन लाइफ, बाज़ औकात जिंदगी में यू नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको दूसरों से मदद लेने की जरूरत पड़ती है. क्लियर हो गया? जी मैम, हो गया. ओके, आगे देखिए. माय फादर वाज वर्किंग फार अवे, मेरे फादर जो है वो बहुत दूर काम करते थे. इसको आप चेंज करके, इस फ्रेज को कोई चेंज करके बताए, यानी इन वर्ड्स को यूज नहीं करना लेकिन मीनिंग यही रहे. वी कैन से लाइक माय फादर वाज वर्किंग इन अब्रॉड. यस, यू कैन से, एंड यू कैन आल्सो से माय फादर वाज नॉट with us, he was not living close to us, and I missed him so much. Okay, I thought ko koi change karke bataye, think, thought, iska synonym kya ho sakta hai, do synonyms batane aap ji. I felt sorry, I didn't get your word. I फील का जो अगला वो होता है felt. Okay. जी हम felt भी लिख सकते हैं. एक सो एक कोई और बताएं. मैडम नोशन. आई नोशन, मेरा ख्याल था कि नोशन जो है ना ये नाउन है, माई नोशन, मेरा ख्याल, ठीक है. आई वॉज इमेजिनिंग, या आई वॉज, बिल्कुल सही, हाँ जी ठीक है. आई वॉज इमेजिनिंग, आई वॉज परसीविंग, एक ये भी याद रखें, परसीव, परसीव का मतलब होता है जहन में सोचना. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, टू सेलिब्रेट माय बर्थडे पार्टी एज ही हैड डन बिफोर, यानी मैंने सोचा कि वो नहीं आ सकते थे, मेरी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने, एज ही हैड डन बिफोर, एज का मतलब यहाँ भी आ रहा है जैसे कि वो पहले किया करते थे, इस दफा नहीं करेंगे, यहाँ पे यानी लाइक ही हैड डन बिफोर, जैसे वो पहले कर चुके थे. Right, to my surprise on my birthday, yani mujhe hairat is baat ki hui, ye hum phrase kai dafa seekh chuke hain, to my surprise on my birthday he suddenly came home, wo ghar aa gaya aur mere liye gift bhi leke. Suddenly ke do synonyms batane hain ji, suddenly, yes, suddenly, in my shock, yes, you can say to my shock, theek hai, in my shock, yes, to my shock. Suddenly ke liye hum ye bhi use karte hain word, promptly bhi kehte hain, abruptly bhi kehte hain, instantly bhi kehte hain, madam, unexpectedly, when unexpectedly, बिल्कुल सही है, यहाँ पे बहुत suitable कर, suit कर रहा है यहाँ पे, unexpectedly, यानी जो expected नहीं था. Okay, जी, next paragraph पे हम चलते हैं. सिद्रा आप यहाँ से reading करेंगे. Missing him
Is Sidra in the class? Yes. Missing him, ma'am ki taraf dodi. I ran into him. My father gave me big hug. Aur mere walid ne mujhe gale lagaya, then kissed me aur mujhe pyar kiya. I was so excited. Main bahut khush thi about the teddy bear. Us teddy bear ko leke, when I squeezed it, jab maine usse dabaya, it said, I love you by the sweetest and lovely voice on the earth. To usne kaha, I love you, jo ki is duniya ki sabse प्यारी आवाज थी। ओके, जी यहाँ पे देखिएगा, ran into, एक होता ना हम सिंपली यहाँ ये भी कह सकते हैं, I ran towards him, मैं उनकी तरफ भागा, लेकिन ran into someone or something, इस phrasal verb का मतलब होता है यानी किसी के साथ जा लगना। I ran into a tree, यानी मैं भाग तो एक दरख्त से जा लगी, यानी बगैर देखे जब हम भागते हैं, यानी without any thinking, तो उसको हम कहेंगे run into या ran into। नेक्स्ट हम जो है समथिंग या समवन आगे अटैच करेंगे, यहाँ पे लिखो रन इनटू हिम, यानी मैं उनकी तरफ भागी, ठीक है। आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट द टेडी बियर, आई वाज सो एक्साइटेड, जी इसकी मुतबादल फ्रेज क्या होगी, हीरा आप बताएं। आई डिड कि मैम हैप्पी, प्लीज्ड भी हो सकता है, आई वाज सो प्लीज्ड, बिल्कुल सही। और क्या हो सकता है, आप भी बताएं बाकी सब। I was so happy, I was so pleased, I was so energetic, बिल्कुल सही। और भी बताएं। मैम, I was so desiring, I was so desiring, मतलब वो desire करना है, यानी चाहना मैम। ख्वाहिश, no, desire का मतलब होता है ख्वाहिश करना। तो वो जब कोई चीज आपको नहीं मिलती तो आप कह सकते हैं कि इट वाज सो डिजायरिंग, लेकिन जो चीज आपको मिल चुकी है सो उसके बारे में, जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हमने एक फ्रेज सीखी थी, आई वाज डिलीरियसली हैप्पी, यानी बेहद खुश होना, ठीक है। एक और लफ्ज होता है ओवरवेल्म्ड, जब आप जज्बात से बहुत ज्यादा मकलूब हो जाते हैं, बताए आई वॉज फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, जी। When I squeezed it, squeeze me. Ma'am, excuse me. Amazed भी आ सकता है. I was so amazed. Yes, you can say I was so amazed. लेकिन happiness और pleasure amazed थोड़ा सा difference है. Amazed में हम थोड़ा सा हैरान होते हैं, ठीक है? और happiness थोड़ा सा different होगा उसे जो ये feelings है ना. So when I squeezed it, squeeze मतलब to press something. When I pressed it, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ओके, यहाँ से आप सर रीडिंग करेंगे। लुकिंग एट इट मेड मी, जी मैम मैं करूंगा। यस, ओके, लुकिंग एट इट मेड मी इमीडिएटली थिंक अबाउट माय बिलव्ड फादर, इसको देखना मुझे फौरी तौर पर मैं सोचने लगता हूँ अपने प्यारे अब्बू के बारे में। His physical presence on my birthday was like gold to me. उसका मेरे अब्बू की physically उनका मौजूद होना, उनका हाजिर होना जिस्मानी लिहाज से मेरी बर्थडे पर वो मेरे लिए सोने की तरह था। You know, आप जानते हो, it is really hard to not have one of the most important people to you on your birthday. आप जानते हो कि ये बहुत मुश्किल होता है कि आपके बर्थडे के मौके पर आपके अहम लोगों में से सबसे अहम शख्सियत ना हो, आपके पास ना हो। ओके, जी देखिएगा, लुकिंग एट इट मेड मी, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए लुकिंग एट, लुक के साथ हम एट यूज करते हैं, जब हम किसी के ऊपर जो है ना निगाह डालते हैं किसी खार पर से, यानी जिस फॉर एग्जांपल आप किसी को यानी मुसलसल देख रहे हैं,
So you can say, why are you looking at me? यानी किसी खास purpose से. तो इसके साथ at use की जाती है. On नहीं use करना, यहाँ student mistake करते हैं. Looking on नहीं करना, looking at her, looking at this, looking at me. So looking at it, उसकी तरफ देखना, made me. ये मुझे मजबूर कर देता है, ये मुझे बना देता है, यानी ये मुझे ऐसा कर देता है. Immediately think about my beloved father. Immediately think about. अब ये हमने made लफ्ज use किया ना, make. So यानी जब एक subject दूसरे subject से कोई काम करवाता है, जैसे teacher made us, teacher ने हमसे करवाया write the assignment, हमसे assignment लिखवाई, या my father made me. यानी मेरे फादर ने मुझसे ये काम करवाया. माई मदर मेड मी डू सो, मेरी माँ ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया. सो हम मेड के बाद हम टू नहीं यूज करते वर्क के साथ. जैसे यहाँ पे भी ये नहीं लिखा हुआ इमीडिएटली टू थिंक अबाउट, बल्कि थिंक. जैसे टीचर मेड मी राइट द आर्टिकल, ना के टू राइट द आर्टिकल. माई फ्रेंड मेड मी डू सो, मेरे दोस्त ने मुझे मजबूर किया ऐसा करने पर, ना कि हम कहेंगे टू डू सो. सो इसी तरह लुकिंग एट इट मेड मी थिंक अबाउट माई बिलव्ड फादर. इमीडिएटली इसका कोई सिनोनिम बताए. Yes, इसका मतलब होता है foreign, यानी quickly, जिसका quick response मिलता है. Yes, at once, instantly, suddenly. यानी इसकी तरफ देखना जो है, मुझे उसी वक्त यानी ये feeling होती है, अपने यानी beloved father के बारे में जो है मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देता है. यानी without any delay, हम उस action के लिए use करते हैं immediately. इसे foreign से करो, without any delay. Okay, my birthday, his physical presence was like gold to me. Gold, वैसे तो हम सोना को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस sense में आ रहा है कि something very precious. It's like a wealth to me. It's like a treasure to me. Any something very, very expensive or very, very precious. Okay, it's really hard. ये phrase भी note कर ले. जब आपने किसी को कहना हो कि नामुमकिन लगता है, ऐसा हो नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल होता है. सो ये फ्रेज इंग्लिश में हम यूज कर सकते हैं. इट्स रियली हार्ड. उसके बाद हम टू नॉट के बाद जो एक्शन, टू नॉट ईट, टू नॉट हैव, टू नॉट गो देयर, यानी वहां ना जाना, ये ना करना, ये ना देखना, ये बात ना करना, बहुत ये नामुमकिन सा लगता है. सो हम यूज करते हैं इट्स रियली हार्ड टू नॉट हैव वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल. अच्छा, यहाँ देखिएगा, हमने सीखा था जब हम कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट, उसके बाद हम प्लूरल जो है वर्ड लगाते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यू कैन से मीटिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रेसेस. सो यहाँ पे पीपल लिखा हुआ है, इसका मतलब है पीपल जो ये प्लूरल वर्ड है, यानी इसके साथ पीपल्स नहीं लिखते. ये भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. देर इज नो वर्ड लाइक पीपल्स इन इंग्लिश, इट्स ऑलवेज पीपल. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले. No, ma'am. Okay. मैं मेरा वो question था वो ran into वाला कि वो in क्यों लगाया है? Ran into English में हम खाली रैन भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे उर्दू में हम डिफरेंट वो हमारे होते हैं ना, यानी अंदाज होते हैं बात करने के. जैसे मैं उनकी तरफ भागी, ठीक है, मैं यानी उस चीज की तरफ भागना, उस चीज से जा लगना, यानी उसकी तरफ दौड़ लगा देना. यानी हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हम यानी हमने यहाँ पे एक्साइटमेंट शो करनी है ना. यानी मैंने जब उनको देखा, आई रैन इनटू हिम, मैं फौरन उनसे जा लगी. राइट, एक्साइटमेंट हम शो कर रहे हैं. सो हम खाली रैन लिखने के बजाय रैन इनटू, ये एक फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब होता है यानी किसी की तरफ बेसाख्तगी से दौड़ कर उसको जा टकराना. राइट, ran to him तो सही है ना, normal. Yes, towards. Yes, towards. Towards. Towards भी हम लिख सकते हैं, उसकी तरफ भागना. Ran to into जब हम लिखते हैं, इसका मतलब है उनकी तरफ भाग के जाना, और साथ यानी उस चीज के साथ यानी टकराना भी, टच भी करना. राइट, ओके. आगे देखिएगा, आई वुड नेवर फॉरगेट दैट स्पेशल मोमेंट.
मैं ये स्पेशल मोमेंट कभी भी फॉरगेट नहीं करूंगा. स्पेशल मोमेंट, इसका सिनोनिम कोई बताए? मैडम टाइम भी हो सकता है, इवेंट टाइम. सॉरी वो कैसे? इवेंट टाइम. नो स्पेशल, यस यू कैन से स्पेशल इवेंट. ठीक है, इवेंट टाइम. यस इवेंट, यस आई वुड नेवर फॉरगेट दैट. बिल्कुल सही, इम्पोर्टेंट इवेंट. यू कैन से स्पेशल के लिए हम ये भी कह सकते हैं पर्टिकुलर. ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट. And the teddy bear means so much to me. जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हो उसको कहते हैं it means a lot to me. इसका phrasal, sorry, synonym भी है, it means a lot to me. It means so much to me. ठीक है, it has a great deal to me. It is very important to me. ये सब इसके synonyms होंगे. जो चीज आपके लिए वो दिखने में तो इतनी इम्पोर्टेंट ना हो लेकिन उसके लिए यानी आपके दिल में बहुत इम्पोर्टेंस है तो आप कहेंगे इट मींस अ लॉट टू मी, इट मींस सो मच टू मी. मैडम ये लास्ट पे आपने क्या बताया? इट इज ग्रेट टू मी, इट हैज अ ग्रेट डील टू मी. ठीक, ओके जी. इसमें कहीं कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले. ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो कल के लिए कल का टॉपिक जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन उसके लिए किसी एक को खुद को नॉमिनेट करना होगा कि वो टॉपिक कौन प्रिपेयर करेगा और यूं क्लास में डिलीवर करेगा. जी, आपको टॉपिक अभी सेंड कर दिया जाएगा, आप वो मुझे शाम तक चेक करवा सकती हैं. उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के बाद कल क्लास में उसे आप डिलीवर करेंगे. ठीक मैंने पूरा टॉपिक यानी